हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5.1 एक्सरसाइज का ये 13 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले 12 तक सॉल्व कर चुके हैं, आप तो जानते ही हैं। अगर आप नहीं देखे हैं कोई विद्यार्थी, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टोटल 5.1 के थ्योरी से लेकर आपका प्रॉब्लम तक का। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 पर, चूंकि यही डाउटफुल पॉइंट है। तो किसी भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, तीनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स विल बी सॉल्यूशन में कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, कब, इफ लेट लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 0 एफ एक्स, कहीं कहीं 1 माइनस सिर्फ रहेगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 0, जिसको कि राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 1 होना चाहिए। जब x टेंस टू 1 माइनस 0, x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, इन दिस केस x इज ऑलवेज लेस देन 1 होता है, और जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन कितना है, x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 5 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0, और एफ एक्स का मतलब कितना है, x प्लस 5 है, तो ये निकल कर कितना आएगा, 6 आएगा। राइट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0, और जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन कितना है, x माइनस 5 है, तो कितना आएगा, 1 रखिएगा तो माइनस 4। तो आप क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 पर। क्या लिखेगा, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस एफ एक्स, यही फंक्शन जो दिया हुआ है, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज और, अगर कहता कि क्या एक्स इक्वल टू 1 पर एफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी नहीं, चूंकि लिमिट एग्जिस्ट तब करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो ये हुआ 13 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है 14 से आगे, सभी के लिए एक ही ऊपर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो एफ कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना, यदि फंक्शन इस रूप में डिफाइंड है तो सबसे पहला बात की डाउटफुल पॉइंट, तो डाउटफुल पॉइंट वही लेंगे जिसका उस पॉइंट को हम लोग डाउटफुल लेंगे जिस पर फंक्शन उससे लेस देन वैल्यू के लिए भी दिया हुआ हो, ग्रेटर देन के लिए भी दिया हुआ हो, और उस एग्जैक्ट पॉइंट पर भी फंक्शन दिया हुआ हो। तो यहाँ पर देखें तो जीरो डाउटफुल नहीं हो सकता है, चूँकि जीरो के लिए ठीक है लेस देन और इक्वल टू, जब एक्स लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तब फंक्शन हमको दिया हुआ है, लेकिन एक्स लेस देन जीरो के लिए आपका फंक्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए वन, तो वन का एक्स दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू वन के लिए भी, और एक्स ग्रेटर देन वन के लिए भी दिया हुआ है, तो वन डाउटफुल पॉइंट हुआ। थ्री, तो एक्स लेस देन थ्री के लिए फंक्शन डिफाइंड है और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए भी डिफाइंड है, तो वन और थ्री हुआ। 10 आपका नहीं हो पाएगा, चूंकि x सिर्फ लेस देन और इक्वल टू 10 के लिए फंक्शन है, x ग्रेटर देन 10 के लिए फंक्शन नहीं दिया हुआ है। तो हेयर डाउटफुल पॉइंट इज 1 और 3, 1 और 3 ही डाउटफुल पॉइंट हुआ। तो सबसे पहला बात हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो x इक्वल टू 1 के लिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 एफ एक्स, जिसका मतलब हुआ कि x 1 से जब छोटा हो तब एफ एक्स लेंगे, इक्वल टू ये होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 एफ एक्स, मतलब x जब 1 से बड़ा हो तब एफ एक्स लेंगे,
इज इक्वल टू होना चाहिए कितना के बराबर, एफ वन के बराबर। मतलब जब एक्स वन के बराबर हो तब एफ एक्स को निकालेंगे। तो जब वन से छोटा है तब उस सम टाइम जब वन से छोटा है एक्स तो उस समय एफ एक्स कितना है, थ्री है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया जी, डायरेक्ट थ्री, एफ एक्स इक्वल टू थ्री दिया हुआ है। अच्छा, ले जब एक्स वन से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वन, तब कितना है राइट हैंड लिमिट जिसको कहेंगे, यह कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो यहीं पर तो क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बाकी आगे हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो गया, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू वन पर। अब बात करते हैं कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू, डाउटफुल पॉइंट क्लियर था एक थ्री, तो एट एक्स इक्वल टू थ्री ले लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस जीरो एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री होना चाहिए। अब देखिए तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब एक्स टेंस टू थ्री फ्रॉम लेफ्ट साइड, इन दिस केस एक्स इज लेस देन इक्वल लेस देन थ्री। तो जब एक्स लेस देन थ्री हो तो फंक्शन कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, फोर है। और जब एक्स थ्री से क्या हो, बड़ा हो, तो फंक्शन राइट हैंड लिमिट में कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो एफ एक्स जो हुआ डिसकंटिन्यूअस हुआ, एफ एक्स इज यहाँ भी इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। और जीरो और टेन पर तो हम लोग कहीं नहीं सकते हैं चूँकि वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है पूर्ण रूपेण। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वही कंटिन्यूटी चेक करना है। तो डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा और वन होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू जब जीरो से कम हो तब भी फंक्शन दिया हुआ है, जीरो के बराबर पर भी दिया हुआ है और जीरो से बड़ा के लिए भी दिया हुआ है। उसी तरह से डाउटफुल पॉइंट वन भी है, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है वन से जब एक्स छोटा है तो भी है एफ एक्स दिया हुआ, वन के बराबर है तो भी एफ एक्स दिया हुआ है, वन से बड़ा है एक्स तो भी एफ एक्स डिफाइंड है। तो डाउटफुल पॉइंट जीरो और वन दोनों हुआ। तो सबसे पहला काम करते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस सॉरी जीरो माइनस एफ एक्स। तो जब जीरो की ओर टेंड्स करे एक्स लेफ्ट साइड से, इसका मतलब एक्स लेस देन जीरो, और एक्स लेस देन जीरो है तब क्या होगा, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, टू एक्स दिया हुआ है, जिसका लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। तो जीरो प्लस एफ एक्स मतलब एक्स जब जीरो से बड़ा है, एक्स जब जीरो से बड़ा है देखिए तो फंक्शन कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो एफ एक्स रखेंगे ज़रूर, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। और एफ जीरो जब एग्जैक्ट एक्स जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है तो भी फंक्शन कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया, कहाँ पर, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू वन का बात कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे पहले, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस जीरो,
एफ एक्स, तो वन माइनस जीरो मतलब एक्स जब वन से छोटा हो, तो एक्स जब वन से छोटा हो तब एफ एक्स कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, तो इसका लिमिट वैल्यू जीरो हो गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस जीरो एफ एक्स, तो जब वन से बड़ा हो एक्स तब ऐसे स्थिति में एफ एक्स कितना है, फोर एक्स है, मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस जीरो एफ एक्स का मतलब हुआ फोर एक्स, और जब इसमें एक्स वन के करीब रखेंगे तो कितना आएगा, फोर आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आया और राइट हैंड लिमिट आपका कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो डाउटफुल पॉइंट माइनस वन और वन हुआ, चूंकि माइनस वन और वन दो ऐसा पॉइंट है जिससे कम और अधिक और बराबर पर भी फंक्शन दिया हुआ है, तो बारी बारी से चेक करेंगे कहां पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जिसका मतलब क्या हुआ, लिमिट यहां लिखते हैं एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस जीरो एफ एक्स, जब एक्स माइनस वन की ओर टेंस कर रहा हो लेफ्ट साइड से, मतलब एक्स जब माइनस वन से छोटा हो, तो एक्स लेस देन माइनस वन पर एफ एक्स का मान कितना है, माइनस टू है, तो डायरेक्ट लिखा गया माइनस टू। राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस जीरो एफ एक्स, तो जब एक्स माइनस वन की ओर टेंस करे राइट साइड से, तो माइनस वन से बड़ा हो एक्स, ऐसे स्थिति में कितना वैल्यू है एफ एक्स का, टू एक्स। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन और फंक्शन है टू एक्स, तो इसका आंसर कितना आएगा लिमिट से, माइनस टू। और एफ माइनस वन, जब एक्स एग्जैक्ट माइनस वन हो, एग्जैक्ट माइनस वन हो, यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू माइनस वन तो भी फंक्शन कितना है, माइनस टू है, तो एफ माइनस वन कितना हुआ जी, तो एफ माइनस वन भी हो गया माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तो फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसलिए एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब एक्स इक्वल टू वन का बात कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू वन का बात यहाँ कर लेते हैं हम लोग, एट एक्स इक्वल टू वन के लिए, तो एक्स इक्वल टू वन के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस जीरो एफ एक्स, मतलब एक्स जब वन से बड़ा है तब एफ एक्स का वैल्यू कितना है, टू है, और यह हो गया टू डायरेक्ट। लिमिट ये राइट हैंड लिमिट लिख दिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, वन माइनस जीरो एफ एक्स, तो वन से छोटा हो, तो वन से छोटा हो तो कितना है, फंक्शन टू एक्स है, तो टू एक्स, और एक्स जब वन के करीब रखिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। एफ वन जब एग्जैक्ट वन है तो भी फंक्शन टू एक्स, और टू एक्स है फंक्शन, तो एफ वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ वन, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, नोट कीजिए। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू थ्री एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस थ्री इफ एक्स ग्रेटर देन थ्री इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। मतलब अगर यह फंक्शन एक्स इक्वल टू थ्री पर कंटिन्यूअस है तब आपको ए और बी में एक रिलेशन निकालना है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू थ्री पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू एफ थ्री होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस जीरो या थ्री प्लस जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री। अब जब एक्स तीन से छोटा है तो फंक्शन कितना है, ए एक्स प्लस बी है, तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस जीरो और एफ एक्स की जगह हम लोग कितना लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस जीरो और एफ एक्स की जगह कितना लिखेंगे, जब थ्री से बड़ा हो तो एफ एक्स कितना है बी एक्स प्लस थ्री है इक्वल टू एफ थ्री। एफ थ्री के लिए भी फंक्शन यही हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें जब थ्री रखेंगे थ्री के लगभग तो थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री बी ए एक्स प्लस वन है, थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री। तो यहाँ सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, थ्री ए प्लस वन जैसे एक्स थ्री के लगभग रखिएगा तो थ्री ए प्लस वन, इसमें थ्री रखिएगा तो थ्री बी प्लस थ्री, थ्री बी प्लस थ्री, थ्री ए माइनस थ्री बी थ्री कॉमन तो ए माइनस बी इक्वल टू टू, तो ए माइनस बी इक्वल टू टू बाई थ्री यही रिलेशन हो गया, या ए इक्वल टू बी प्लस टू बाई थ्री जो भी कहना चाहते हैं। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। कहता है लेमडा के किस मान के लिए यह फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस होगा, एंड वट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, और एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूटी हो इसके लिए लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो होना चाहिए। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एक्स जब जीरो से कम हो तो एफ एक्स इतना है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट जब एक्स जीरो से कम है तो एफ एक्स है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसमें जब एक्स जीरो रखिएगा तो जीरो जीरो इंटू समथिंग सबका सब जीरो हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट जब एक्स जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन यह है इसमें जब जीरो रखिएगा तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब लेमडा कुछ भी हो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो लेमडा के किसी भी मान के लिए आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो क्या कहेंगे, हैंस ऐसे लिखे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हैंस एफ एक्स एट
नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा के किसी भी रियल मान के लिए एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। दूसरी बात, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन। देखिए एक्स इक्वल टू वन के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंक्शन दिया हुआ ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में मेरे ख्याल से यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू वन के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जैसे एक्स वन से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, एक्स वन से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, एक्स वन पर क्या है फंक्शन, तो कह सकते हैं कि जब नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस होगा लेमडा कुछ भी लीजिए, है ना। लेकिन जीरो के लिए तो तय है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 13-18 देखे। आप कंटिन्यू रहिए, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी डाउट हो कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइए, तब ना हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करेंगे। थैंक यू, बने रहिए।